वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वेदांता स्टॉक की बात की जाए तो वेदांता 214 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। फ्राइडे के दिन में 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, 9 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली थी। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर ध्यान डालेंगे तो न्यूज़ यहाँ पे देखा ही जाए तो करंटली देख सकते शेयर्स ऑफ रिफाइनरीज प्रोड्यूसर्स टम्बर। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो टैक्स लगा था टैक्स था वो यहाँ पे आप देख सकते बढ़ा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल के, उसकी वजह से यहाँ पे कल गिरावट देखने को मिली थी काफ़ी स्टॉक के अंदर। तो उसी का कारण यहाँ पे देखने को मिली थी यहाँ पे आप देख सकते वेदांता स्टॉक में भी। तो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे इंटरेस्टिंग वैल्यू पे नज़र डाली जाए तो करंट प्राइस जो है लेस है इंटरेस्टिंग वैल्यू से, जो कि अच्छी खासी है। बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है स्टॉक। डिविडेंड की बात किया तो डिविडेंड भी ऑफर करता है, पर अच्छा खासा डिविडेंड ऑफर करने वाला स्टॉक है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है। रेड फ्लैग्स फाउंड है कि टू मच प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड, मीन्स प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स बहुत सारे प्लेस्ड है। बेसिक की भी देखी जाए तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स में नजर डाली जाए तो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस है क्वालिटी चेक्स में। ग्रोथ स्कोर के ऊपर नजर डाली जाए तो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में भी। तो बेसिक के साथ प्रो चीज़ें भी देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली देखा जाए तो लास्ट 1 वीक का चार्ट फ्रेम देखा जाए तो 1 वीक में 5% से ज़्यादा गिरावट और 1 मंथ में तकरीबन 32% की गिरावट देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। 1 ईयर का चार्ट भी देखा जाए तो रिसेंटली देख सकते हैं कि कहाँ से स्टॉक में गिरावट, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने 437 का हाई बनाया था 440 का, तो वही से देख सकते आधे गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो लार्ज कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 71,000 करोड़ की है। रिस्क देखे जाए तो हाई रिस्क का स्टॉक है करंटली। पी रेशियो 4.22 इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। टोटल जो लोन है 57,000 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड जो है 21%, नेट इनकम 18,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वेदांता स्टॉक के लिए।